सौ गज यार। चलते हैं अब खुरपाताल। खुरपाताल यार मैंने भाई से पता करा, मैं यार कहाँ जाना चाहिए। देखो गवर्नर हाउस वगैरह ये सब जगह पे जाना बेकार है, क्योंकि देखो यार वहाँ पर क्या होता है, आप ना कोई वीडियो बना सकते हो ना कुछ। वो तो देखो यार सिर्फ एक जो होते हैं ना घूमने फिरने वाले, उनके लिए ठीक है यार। अब अपना काम है वीडियो बनाना, जब वीडियो नहीं बना पाएंगे तो फ़ायदा क्या उसका। भाई साहब सोचो कि क्या नाम है, फॉर्चुनर इतनी बड़ी लगती है, एंडेवर इतनी बड़ी लगती है, तो एलसी कितनी बड़ी लगती होगी यार। भाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़। नो हॉर्न जोन भाई, ये क्या है, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड भाई, नैनीताल का हाई कोर्ट है भाई ये, मतलब उत्तराखंड का। भाई ये पूरा क्या पार्किंग है, कार पार्किंग, हाँ कार पार्किंग है पूरी यहाँ पर। अरे इसकी माँ का भाई, देखो इको के पार्क गेरा, लेकिन ये मैं शायद कह रहा हूँ मैं आते हुए जाऊँ, क्योंकि यार कुछ अभी खास नहीं है इसमें भी। पहले वहाँ चलते हैं, कौन सी जगह थी यार मैं तो नाम भूल गया, खुरपाताल, पहले खुरपाताल चलते हैं फिर आएंगे इधर। खुरपाताल के लिए किधर से, इधर से यही रोड है। धन्यवाद जी। ये साली एक तो गूगल आंटी पागल है, कुतिया पता नहीं बक 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 करती रहती है ना, ऐसे पता कुछ। बंद बंद गलियों में घुसाया है इसने मेरे को साली ने, इसके चक्कर में रहना बेकार है, इसलिए मैं बार बार पूछता रहता हूँ। अब मैं अभी रूम पे गया था, अभी मैं जाके दवाई खाई है, मैं कहा यार हालत ख़राब हो रही है, बार बार मोशन सिकनेस, तबीयत ख़राब हो जाती है, इससे अच्छा साला दवाई खाओ टेंशन फ्री हो जाओ। एक तो यार यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा क्या नाम है टर्न है यार, बहुत ज़्यादा। लेंस डाउन में इतना नहीं था, मसूरी गया मसूरी में इतना नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ओए होए क्या नज़ारे हैं भाई यहाँ तो। ये तो अलग ही फील है भाई यहाँ। क्या बात है भाई, भाई यहाँ पर देखो देखो इन चीज़ों से कितने फ़ायदे हैं। यहाँ पर लोग ऐसे ऐसे रील बना लेते हैं ना, ये जितने भी यहाँ के राइडर हैं तो उनकी अच्छी रील चल जाती हैं। हम दिल्ली वाले कहाँ से पहाड़ पैदा करें, एक दिल्ली में एक ही पहाड़ है। भाई साहब नज़ारा देखो यार इधर, क्या तगड़ा नज़ारा है। बड़े हरामी हो बेटा। देख रहे हो कितना ही सुंदर लग रहा है यार यहाँ तो। मेरे को तो ये पहाड़ बड़े अच्छे लग रहे हैं यार। इस वक्त देखो यहाँ पर नेटवर्क तो नहीं आ रहे, लेकिन तुम्हारा भाई एक वीडियो बना के रख ले ताकि बाद में स्टोरी पे डाली जा सके। तो यार वो अपना होटल वाला भाई है, वो कह रहा भाई वहाँ चले जाओ ट्रैकिंग पे, चाइना पीक वगैरह। मैं कहा हैं, मैं ट्रैकिंग पे, मैं कहा मुँह से फेफड़े बाहर आ जाएंगे भाई मेरे, मैं नहीं कर सकता ट्रैकिंग वगैरह। अरे पुलिस वाला भी देखा, क्या टेंशन में जा रहा था उड़ता हुआ। कोई नहीं यार, सबके अपने अपने शौक होते हैं, उस भाई को भी मन होगा, बाइकर होगा वो भाई भी, उसको भी बाइकिंग का शौक होगा। ऐसा नहीं कि किसी का मन नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई वकील बन गया, कोई पुलिस वाला बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया तो उनके मन नहीं होते, उनका शौक नहीं होते, सब होते हैं भाई। चार खेत कहाँ है, चार खेत, अच्छा ये है नीचे खेत, वो देख रहे हो भाई सीढ़ी नुमा खेत वगैरह सारे हैं यहाँ पर। ये नीचे फ्लैट है खेत, वहां पर सीढ़ी नुमा खेत। तो ये क्या है भाई, ये इन्होंने कोई बना रखा है पार्क सा, वो होते ना गुब्बारे वाले से बैलून वाले, इसके अंदर बंदों को वो कर देते हैं, वो फिर अंदर दौड़ लगाते रहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो।
भाई कहाँ है खुरपाताल? मेरा तो कहना है नेट भी बंद हो गया, मतलब नेटवर्क ही नहीं आ रहे। रुको यार, ये खुरपाताल किधर है? आगे अभी खुरपाताल, खुरपाताल ठीक है जी। मैं वहां जहां से देखते हैं वही ना, जहां से दिखता है खुरपाताल नीचे। ये भाई अपने बाइक बंद करके चल रहे हैं आगे आगे। सही है भाई, थैंक यू। यही तक आना, रोड पे नीचे जाना है। नहीं, मेरे को यहीं से देखना था बस। नीचे जाने का भी रास्ता है क्या कहीं? नीचे जाने ये तो वहां से। अच्छा, वैसे बंद कर रखा है ना नीचे यार? अच्छा 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 लो भाई खुरपाताल तो पहुंच गए। नीचे देखो पूरा दिख रहा है लेक। अब नीचे यार गुरु बच्चा चला रहा है तो भाई बड़ा तो हो जाता पहले तो। कितना छोटा लग रहा था यार वो, अब उम्र उसकी बड़ी हो क्या पता यार। हार्मोन्स की दिक्कत आज के टाइम में सबसे ज्यादा है। सो गाइस यार, ये है खुरपाताल। और ये खुरपाताल इसलिए आ रही है, इसको सुनने में आया कि कहना ये खुर की शेप में है इसलिए इसको खुरपाताल कहते हैं। और यार सबसे बड़ी बात देखो, इसमें जो एक रहस्य है ना, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो रहस्य। आप ना यहाँ के लोग कहते हैं देखो, कभी ये रेड कलर का पानी आया तो कभी ये ब्लू, कभी ग्रीन। यहाँ का ये रहस्य है। अब ये कैसे होता है कैसे नहीं इतना तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन देखो आपको कभी यहाँ पर ये रेड कलर का पानी दिखेगा, यहाँ पर आपको ये ब्लू से कलर का पानी दिखेगा, और उसके चारों तरफ देखो ये सारा ऐसे व्यू है। और इस ताल के पास जाना मना है। सो गाइस यार, यहाँ से चलते हैं। ये हेडेड है ना? हाँ जी भाई। कहाँ के हैं? दिल्ली। दिल्ली। सो गाइस यार, यहाँ से चलते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाई दिया यार खुरपाताल, और ये यहाँ पर कोई जा रहा है ये रास्ता, ये वाला जेजेस विलेज। तो यहाँ से सीढ़ियाँ उतरती हैं नीचे को, मतलब एक व्यू पॉइंट है वहाँ तक का, वहाँ पर जाना मना है। फिर सोचने वाली बात है ना, देखो कहीं कहीं पे रेड कलर के तो कहीं कहीं पे ब्लू कलर। अरे भैया गलत बात है यार, ऐसे ना कभी सनरूफ से किसी को बच्चों को ऐसे नहीं निकालना चाहिए, चाहे आप अगर कहीं पे भी हो। वैसे अगर देखा जाए ना ये इलीगल है भाई यहाँ पर। इस जगह तो साला फ़ोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहा यार। नैनीताल जू यार, जू वो नहीं जा रहा मैं, बड़ा बोरिंग होगा। अगर जाना भी होगा ना तो कल जाना होगा, घर निकलने से पहले मैं जू होके आ जाऊँ शायद।
कोई पत्थर वत्थर अटक रहा है क्या? भाई तुम्हारे भाई तो खड़ी करके आ गया बाइक रूम पे। अब जा रहा हूँ मैं पैदल पैदल, कभी कभी लगता है गलती कर दी। अब चलते हैं आगे, देखेंगे आगे क्या है। लेकिन मुझे नहीं पता, कुछ बच्चे जा रहे हैं ड्रेसेस वगैरह पहन रखे उन्होंने। चलते हैं इको के पार्क। तो भाई यार हम लोग आ गए इको के पार्क में। भाई यहाँ पर आई ये टिकट 100 रुपये की टिकट है एडल्ट की, थोड़ा ध्यान दे के चलना पड़ेगा। अरे भगवान, वैसे मैं इतना पैदल चल चल गया हूँ, ये और क्या नाम है सीढ़ियाँ चढ़वा रहे हैं। वेलकम केव गार्डन। तो भाई देख लेना यार पॉज करके। भाई देखो बुल राइड, जिसको करनी हो कर लेना भाई ये बुल राइड। टाइगर केव, पैंथर केव के लिए हमें राइड जाना पड़ेगा। देखो इन्होंने यहाँ पर साउंड इफेक्ट दे रखे हैं पूरे टाइगर के। माइंड हो रहा है और यहाँ पर से साउंड इफेक्ट दे रखा है और हमें यहाँ से नीचे चलना है। ओए होए काफी ठंडा है यार यहाँ तो। मैं अपना गोप्रो साथ लाया हूँ यार, मेरे को इस चीज की हुआ है बस। अरे भैया इतना भी नहीं है जितना सोचा था, पता है आप यकीन नहीं मानोगे। बचपन में जब आए थे मैं और मेरा भाई, ठीक है, तो उस टाइम पे तो अब तो इतनी लाइट कर भी दी है, उस टाइम पे क्या था यार छोटे छोटे बल्ब लग गए थे। मैं और मेरा भाई ना वापस भग गए, मेरा बड़ा भाई है। हम बोले हाँ, अब यह है पैंथर केव। यहाँ पर पैंथर केव की आवाज, मैं पैंथर की आवाज इसमें दे रखा साउंड इफेक्ट। यहाँ से ही एग्जिट है, अगर आप पैंथर केव में ना जाना चाहो तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, लेकिन हम चलते हैं अंदर पैंथर केव में। अरे भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा हुआ है, शायद जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। थोड़ा ना पत्थर यहाँ पर जो बना रखी है सीढ़ियाँ, आप देख सकते हो यार थोड़ा स्लिपरी हो गई हैं। मेरे को खुद थोड़ा संभल के चलना है। भाई सही ठंडा हो रहा है यहाँ पर, मुंह से निकल रहा है धुआं। अच्छा यार मैं ऐसा नहीं है जितना मैंने सुना था, मतलब बचपन में तो आया नहीं था, जिस हिसाब से सुना था उतना तो है नहीं। हाँ ये कह सकते हैं ज़्यादा हेल्दी लोगों के लिए नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा बैठ के निकलना पड़ेगा, मैं अपनी जेब से गोप्रो निकाल लूँ। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बैठ के निकलना पड़ रहा है, ऐसे बैठ बैठ के। पैंथर कमजोर था क्या जो उसकी इतनी ऐसी केव है? सांस फूल गई भाई। ओ
कौन बोला है? ये आ गए हम बाहर की ओर। बड़ा आराम आराम से निकलना पड़ रहा। अच्छा है आपने जिनकी हाइट बड़ी है। ठीक है बढ़िया यार, थोड़ा बैठ बैठ के निकलना पड़ता है। थोड़ा रुकता हूँ फिर वीडियो चालू करता हूँ। सो गाइस यार ये है पॉर्क्यूपाइन केव। अगर हिंदी में कहें तो आपने सुना होगा शाही, जो शाही होती है जिसके पूरे पीठ पे कांटे होते हैं, ये वो है। चलते हैं और उसका साउंड इफेक्ट दे रखा है यहाँ पर, ये पूरा उसका साउंड इफेक्ट है। तो चलते हैं अंदर देखते हैं यार। एक मिनट रुको यार, मैं टॉर्च ऑन करूं। टॉर्च रुको, मेरे को ये ऑफ करना पड़ेगा। पूरा अंदर देखो ऐसे बैठ बैठ के निकलना पड़ रहा है। क्या यार 100 रुपए वसूल करने। देखो ऐसा पूरा अंदर, ये है बेट्स केव। और यहां से कर रहे हैं अब हम एग्जिट, और नहीं कर रहे। तो यहाँ पर बेट्स का साउंड इफेक्ट दे रखा है। और ये यहाँ पर देखो, कोई पीछे मुड़ के देखे डर जाए, मैं भी एकदम से डर गया। कैसे हो भैया? कैसे भाई? बस बढ़िया, आप बताओ। सोचा नहीं था ऐसे मिलना होगा। अरे भाई, और कैसे यहाँ पे घूमने? बस ऐसे घूमने आए थे। देखो भाई कभी भी कोई भी मिल सकता है यहाँ पर। ये भाई इतनी बढ़िया एक्टिंग करता है, भाई इतनी बढ़िया एक्टिंग करता है बंदा, बस पूछो मत। भाई यार हालत ख़राब हो गई यार, चलते चलते पैरों में हो रहा बहुत कैड़े वाला दर्द। 3 बजने ही वाले हैं, बाकी देखते हैं आगे होता है क्या।